कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 23 तारीख की बैठक निश्चित तौर पर तय थी पहले से। बिहार छोड़कर तमिलनाडु गए हैं, तमिलनाडु में बताया जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन को मनाने गए हैं ये लोग। क्या कोई नाराजगी है, क्या किसी बात पर मतभेद है, क्या किसी और नेता के आने की वजह से ऐसे वो कह रहे हैं? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार तमिलनाडु रवाना हो गए हैं। नीतीश कुमार जहां एक तरफ 23 तारीख की बैठक की तैयारी कर रहे हैं, वहीं 20 तारीख को उनका बिहार छोड़ देना शक पैदा करता है, ये अंदाजा पैदा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एकाएक नीतीश कुमार क्यों बिहार छोड़ देंगे जब उन्हें अगुवाई करनी है, मेहमान नवाजी करनी है पूरे देश के मोदी विरोधी बड़े चेहरों की। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, कई बड़े चेहरे आने वाले हैं, ऐसे में बिहार छोड़ देना होस्ट का सवाल खड़ा करता है कि आखिर हुआ क्या। दरअसल आपको पता होगा जीतन राम मांझी इतने नाराज हुए कि कल उन्होंने बैठक करके अपने विधायकों समेत महागठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल से मिले, राज्यपाल से मिलने के दौरान अपनी जो दुखड़ी है वो सुनाया और साथ साथ ये भी बताया कि कैसे अब एक भी क्षण इस महागठबंधन की नीति सरकार में रह पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरीके से कल कार्यकारिणी की बैठक हुई, एक एजेंडा पास किया गया कि अब महागठबंधन में रहना एक क्षण भी उचित नहीं होगा, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार ने गठबंधन और जो मर्यादा है उसे राजनीति की तार तार की। पूर्णिया में वादा किया, पटना में वादा खिलाफी की, फिर दबाव डाला कि छोटी पार्टी हैं आप, हमारे साथ विलय कर लीजिए। ये सारा सियासी ड्रामा बिहार में हो गया। मांझी जी हालांकि तब भी महागठबंधन में बने रहना चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनाई गई प्रतिकूल कि उन्हें महागठबंधन से खुद को अलग करना पड़ा। हालांकि बिहार में सरकार तो कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों के तेवर को देखकर लगता है कि अब नेगोशिएशन थोड़ा मुश्किल होगा। नीतीश कुमार के लिए भी अब रातों की नींद उतनी आसान नहीं होगी, खासतौर पर यह जानते हुए कि कांग्रेस नाराज है और लेफ्ट की पार्टियां सरकार का हिस्सा ही बनना नहीं चाहती हैं। कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 23 तारीख की बैठक निश्चित तौर पर तय थी पहले से। ऐसे में दिल्ली भाग जाना जीतन राम मांझी का, अपने हाथ छुड़ाकर महागठबंधन से, वहां एनडीए के नेताओं से मुलाकात करना, और एनडीए के नेताओं से ही नहीं बल्कि बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी से मुलाकात उनका करना, ये साबित करता है कि अब नीतीश कुमार का कंप्लेन सबसे ऊपरी अदालत में राजनीति किया जाएगा। अब मांझी जहां एक तरफ ये सब कर रहे हैं, वहीं पीछे पीछे नीतीश तेजस्वी भी बिहार छोड़ चुके हैं। बिहार छोड़कर तमिलनाडु गए हैं, तमिलनाडु में बताया जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन को मनाने गए हैं ये लोग। दरअसल ये खबर आ रही है कि स्टालिन 23 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अब तक कन्फर्म नहीं कर पाए हैं कि वो आएंगे ही। इस बात को लेकर संशय हो रहा था कि स्टालिन किसी बात पर नाराज है क्या। स्टालिन की नाराजगी को जानने के लिए और उनसे मित्रता बढ़ाने के लिए, साउथ के इन दलों से दोस्ती बढ़ाने के लिए नीतीश तेजस्वी एकाएक कार्यक्रम से ऐन मौके पहले तमिलनाडु रवाना हो गए हैं। तमिलनाडु में जो कार्यक्रम होने हैं उसको भी आप जान लीजिए इस रिपोर्ट में। दरअसल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अचानक एमके स्टालिन से मुलाकात करना कुछ और ही इशारा कर रहा है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश एक बार फिर से स्टालिन को विपक्षी बैठक के लिए न्योता देने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्टालिन ने अब तक बिहार और पटना आने को लेकर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दिया था। उतना ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कुछ बातों को लेकर नाराज भी हैं। हालांकि इनकी नाराजगी की वजह अब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जब वहां पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार क्या समझाने में सफल हो पाएंगे। दरअसल आज तिरुवरु में डीएमके के दिवंगत नेता और पूर्व सीएम करुणानिधि की स्मृति में एक कार्यक्रम में आयोजित किया गया है। करुणानिधि के बेटे और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने खुद इस बात की जानकारी दी। स्टालिन ने कहा कि करुणानिधि के पैतृक जिले तिरुवरु में स्थापित कलोगनार कोट्टम परिसर का उद्घाटन नीतीश कुमार करेंगे, वहीं तेजस्वी यादव मुथलेवार पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे।
तमिल में कोटम का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति के स्मृति में निर्मित संरचना। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेख पत्र लिखकर 20 तारीख को बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की बात कही गई है। स्टालिन ने कहा है कि इस कार्यक्रम में वो अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार की स्टालिन संघ मीटिंग भी होगी। खास बात यह है कि जो बार बार चर्चाएं हो रही थी कि स्टालिन अब तक आने को लेकर अपने कन्फर्मेशन नहीं दे पाए हैं, क्या कोई नाराजगी है, क्या किसी बात पर मतभेद है, क्या किसी और नेता के आने की वजह से ऐसे वो कह रहे हैं, तो ये सारी बातों पर कहीं ना कहीं आज जिरह होगा और स्टालिन को फिर एक बार निमंत्रण दिया जाएगा कि वो आए और आकर पटना में इस विपक्षी एकजुटता को मजबूत करें, खास तौर पे तब जब घर का ही एक व्यक्ति इस आयोजन में अब नहीं आएगा। जीतनराम मांझी को ना तो बुलाया गया था ना वो अब इस आयोजन में शामिल होंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।